The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारी जानकारी हमारी वेरीफाइड ऑथेंटिक होती है। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं, क्योंकि हर एक बात हर एक डेप्थ में अच्छे से समझाई गई है, इसलिए कई वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए कई लोग नहीं देखते। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू करी है, इसे कहते हैं प्रो टिप्स, प्रोफेशनल टिप्स। आपको बताएंगे हर एक चीज के बारे में, प्रोफेशनल की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लेके घर जाना है, जो लोग यूज करना है रोजाना हमेशा। तो अगर आपको आज हम बताने वाले हैं स्किन के बारे में, तो अगर आपको स्किन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की बीमारी है, स्किन काली है, कोई प्रॉब्लम है, उस पर पिंपल्स हैं, स्किन की किसी भी प्रकार की कोई इश्यू है, तो स्किन की बीमारी का फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, वो ये लेना है कि आपको इन पांच चीजों का ख्याल रखना है। अगर ये पांच चीजों का ख्याल आप रखते हैं तो एक्चुअली कोई भी स्किन की बीमारी धीरे धीरे खुद धीरे धीरे ठीक होती है। तो आइए बात करते हैं पांच चीजें क्या है। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज स्किन की बीमारी में है प्रोटेक्शन। जी हाँ, स्किन बहुत सेंसिटिव चीज है और उसको चाहिए प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन चाहिए हीट और एक्सट्रीम टेम्परेचर से। ये बात याद रखिए, ना ही बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा। यहां तक के चलिए सन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धूप से प्रोटेक्शन तो सबसे जरूरी है, अति अति जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम है, डार्कनिंग है, तो धूप से बचना आपके लिए सबसे बड़ा इलाज है। शेड में रहिए, बाहर निकलिए, छाता लेके, धूप जरा नहीं लगनी चाहिए, राइट। सुबह 8 बजे के पहले की धूप 15 मिनट के लिए चलेगी विटामिन डी के लिए, वरना नहीं। धूप के अलावा इवन ब्लो ड्रायर, गर्म जो पानी, गर्म पानी से नहाना, गर्म ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोना, ये सारी चीजें, गर्म ठंडा बहुत ही ज्यादा लेवल पे आपके स्किन को जब भी लगेगा कहीं भी, वो आपको दिक्कत करेगा। सो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर से, एक्सट्रीम हवा से, बहुत तेज हवा, बहुत ज्यादा ठंडी एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। एक्सट्रीम थिंग्स नीड टू बी अवॉइडेड। पहला चीज है प्रोटेक्शन, जितना प्रोटेक्ट करेंगे उतना बेहतर, राइट। प्रोटेक्शन इन चीजों से है। तो दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्किन के लिए, वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, हाइड्रेशन इज नंबर टू। उसको दो तरीके से करेंगे, एक तो आपको पानी खूब पीना है, आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं कम से कम, और अच्छी मात्रा में पानी अगर 4-5 लीटर पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठंड के मौसम में भी 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, गर्मियों में तो ज्यादा पीना है। सो इसके ऊपर भी हमारे डिटेल वीडियो है, किसको कितना पानी पीना चाहिए, मेल फीमेल, उसके लिए भी उसको आके देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लिख सकते हैं वाटर बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे। बट आइडिया इज रीहा, आपके हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, उसमें पानी पीना एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है नहाने के बाद टॉवल से रगड़ना नहीं है शरीर को, टॉवल से पूरा साफ नहीं करना है, डैप डैप डैप, बस जो बूंदाबांदी रह जाती है उस बूंदाबांदी के ऊपर लगाना है मॉइस्चराइजर। ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मॉइस्चराइजर उस नमी को लॉक करता है, क्योंकि आज के डेट में इन्वायरमेंट गर्म होता जाता है, राइट। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके इन्वायरमेंट में जो आपके स्किन से मॉइस्चर खींच लेंगी और बीमारियां बढ़ा देंगी। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्किन बाय रेगुलर मॉइस्चराइजिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन, सेकंड इज मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजिंग बाय ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड देन अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ट्वाइस अ डे। नहाने के बाद डैप डैप डैप, थोड़ा थोड़ा पानी, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर, दिन में 2 बारी, रात को सोने से पहले, नहाने के बाद 2 बारी हो गया, राइट, बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर बाथ। एंड मॉइस्चराइजर चुनिए अपने स्किन टाइप के अनुसार। अगर ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड, बटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एलोवेरा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लीजिए। ये हुआ बेस, राइट। और टेम्परेचर रेगुलेशन पे ध्यान रखिए, ठीक है। सोप मिनिमम यूज करना है, सबसे कम सोप यूज करिए, जितना कम उतना अच्छा, जितना ज्यादा सोप किसी भी प्रकार का, डजंट मैटर व्हाट सोप, मिनिमम यूज ऑफ सोप। सोप आपके स्किन से मॉइस्चर निकाल लेता है, सोप डैमेज करता है स्किन, इसलिए सोप दिन में एक बार, ज्यादा एक बार या 2 बार बहुत हो गया तो, स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, कहीं भी, राइट, रिमेंबर दैट, राइट। पानी का काम है डर्ट निकालना, सोप की जरूरत नहीं होती है, डर्ट निकालने के लिए पानी है, डीप क्लींजिंग नहीं करनी है।
दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइड्रेशन एंड प्रोटेक्शन, सोप वाला प्रोटेक्शन में आ गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उतना ही जरूरी है जितना कि आप ऊपर से लगाते हैं, अंदर से बहुत उससे डबल जरूरी है जो खाते हैं, राइट। स्किन नीड्स प्रोटीन, बिकॉज स्किन बनती ही प्रोटीन से है, राइट। प्रोटीन अगर आपके डाइट में इनफ नहीं है, सही मात्रा में नहीं है, तो स्किन की डेवलपमेंट ही सही नहीं होगी, तो स्किन खराब निकलेगी, राइट। आपकी स्किन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी तो रिपेयर नहीं हो पाएगी। सो यू नीड प्रोटीन इन डाइट। अगर 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो काफी नहीं है। आपकी प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, राइट। उसके लिए आप हमारा लीन प्रोटीन वाला वीडियो देख सकते हैं, प्रोटीन वाले वीडियो देख सकते हैं। प्रोटीन इंटेक के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको, विटामिन चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B12, D3, आपको ओमेगा 3 चाहिए, बहुत सारे विटामिन चाहिए होते हैं आपके स्किन के लिए। कहाँ किस में कमी है वो नहीं देख सकते, इसलिए आपको वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेस खाने बहुत जरूरी है। यह याद रखिए, आइडियल वेज डाइट होनी, आइडियल डाइट होनी चाहिए। उसके लिए आइडियल वेज डाइट का वीडियो है, वो देखिए कि उनमें से हर चीज़ आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। अगर आप कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, प्योर वेज है और दूध भी नहीं पीते, अंडा भी नहीं पीते, B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके लिए मल्टी विटामिन ले सकते हैं, B12 के विटामिन ले सकते हैं। यू नीड टू थिंक कि न्यूट्रिशनल कमी तो नहीं है, वरना स्किन डैमेज होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर। और थर्ड होने के बाद चौथा पॉइंट है सर्कुलेशन। जी हाँ, आपकी स्किन को ब्लड तभी जाएगा जब आप रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करेंगे अपनी बॉडी की। दैट नीड्स एक्सरसाइज, राइट। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। जहां भी ये सब खाएंगे, जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो स्किन को वहां जाना भी तो चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए। सो एक्सरसाइज आप कम कम भी करेंगे तो चलेगा, राइट। 5 मिनट करेंगे तो भी चलेगा, 10 मिनट करेंगे तो भी चलेगा, 1 घंटा करेंगे तो भी चलेगा, बट रेगुलर करिए, रोज करिए, रोज एक्सरसाइज, या 5 दिन करिए हफ्ते में। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी स्किन को जाएगा वो न्यूट्रिशन, और स्किन रिपेयरिंग में बहुत हेल्प मिलती है, स्किन हीलिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो सर्कुलेशन इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड पांचवा बिगेस्ट पॉइंट इज रेस्ट। जी हाँ, रेस्ट, ब्यूटी स्लीप ऐसे नहीं कहते, रेस्ट एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस कम लेना है, राइट। स्ट्रेस कम, रेस्ट ज्यादा। जितना स्ट्रेस, जितना टेंशन, उतना आपकी स्किन, आपकी बॉडी उस पर रिएक्शन दिखते हैं, उतने आप अनहैप्पी दिखते हैं, उतने आपकी ग्लो घटती है। जितना रेस्ट कम लेते हैं, 2 दिन नहीं सोते हैं, तीसरे दिन डल डल दिखने लगते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं। क्यों आते हैं? रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। 6 घंटे की नींद मिनिमम है, अच्छी नींद होती है 8 घंटे, ओके। 8 घंटे सोने की टारगेट रखिए, 8 घंटे सोएंगे तो अच्छी स्किन होगी। सो दैट्स योर टारगेट। डजंट मैटर सुबह सो रहे, रात को सो रहे, रात को काम कर रहे हैं, कोई भी टाइम सोइए, लेकिन 8 घंटे सोइए। रिमेंबर दीज 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो छठी बिगेस्ट थिंग है वो है आपकी स्किन केयर रूटीन। अगर आपके पास स्किन केयर रूटीन नहीं है, यू आर मिसिंग आउट ऑन केयरिंग योर स्किन। आपको एक स्किन केयर रूटीन चाहिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन केयर रूटीन, अगर ऑयली है तो ऑयली स्किन केयर रूटीन। एक स्किन केयर रूटीन बहुत जरूरी है, उसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, स्किन केयर सेक्शन में नीचे दिया हुआ है लिंक, उसमें स्किन केयर रूटीन है ड्राई वालों के लिए, ऑयली वालों के लिए, उसके हिसाब से अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात आपकी शॉर्ट में। आई होप आपको समझ आई, आई होप आप शेयर करेंगे इस बात को, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।